फेट में आप चेंजिंग कैसे ला सकते हैं अपनी फेट के अंदर, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप दूध, भैंस का दूध निकालने के बाद, भैंस या गाय जो भी आप पशुपालन करते हैं उसका, तो उसका दूध तुरंत निकालने के बाद डेयरी पर ना जाएं, उसको थोड़ा ठंडा होने दें। उसके बाद आप डेयरी पे जा सकते हैं। उससे क्या है कि आपके दूध में जो एयर होती है वो फैट को कम करती है, तो आप उसकी एयर कम करने के लिए आराम से 1 घंटा दूध को खुले में रख दें चालनी के अंदर, तो उससे क्या है आपकी फैट अच्छी आएगी। अगर आप तुरंत निकालते गर्मा गर्म दूध को, जो जो कि भैंस का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे अगर आप दूध को डेयरी पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी फैट नहीं मिलेगी, क्योंकि दूध गर्म होता है उसके अंदर एयर होती है, तो वो पूरा एयर निकल नहीं पाती। वैसे मशीन है इसके लिए एयर निकालने के लिए, जो कि वो ये है, इसको अपन वाइब्रेटर बोलते हैं। मेरे पास 3 वाइब्रेटर पड़े हुए हैं और 2 मशीन हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको जल्दी नहीं करना है इस मामले में, तब आपको अच्छी फैट मिल सकती है। अगर आप निकालते ही डेयरी में ले जाएंगे दूध को तो आपको अच्छी फैट नहीं मिल पाएगी। तो और ज़्यादा फैट अच्छी चाहिए तो भैंस को अच्छे खड़ कांकड़े वगैरह के। उससे भी आपकी फेट में बढ़ोतरी करने का काम तो डेयरी स्टार्ट कर सकते हैं आप भी, बहुत अच्छा काम है। और आजकल वैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है दूध के अंदर, जो कि दूध कलेक्शन करने के लिए आपको घर घर जाके कलेक्शन करना पड़ता है, तब जाके कुछ दूध इकट्ठा हो पाता है, और वहाँ से सैंपल भर के हम यहाँ पे लेके आते हैं, और ये सैंपल हैं और यहाँ पे निकालना पड़ता है इनको। तो दूध जा चुका अभी बाज़ार अच्छे दाम में बिकने के लिए। वैसे हमारे कोई स्थायी डेयरी तो है नहीं, फिलहाल तो हमें प्राइवेट तरीके से काम करना पड़ता है। सोच रहे हैं अब अमूल का सेंटर लेंगे, तो उसका सेंटर चलाएंगे। तो अभी हमने उसका DD वगैरह जमा करवा दी है, तो आने वाले समय में अमूल का सेंटर हमारे को मिल जाएगा, तो फिर जुड़ेंगे अमूल डेयरी से, देखते हैं उसमें क्या रेटें रहती हैं। फिलहाल तो अभी 22 का कलेक्शन चालू है, जो हमारे छोटे भाई हैं भगवान, तो वो बेचते हैं अभी दूध, वो गए हैं बाजार दूध लेके गाड़ी में। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये मशीन कितने समय में फेट को निकालती है और इसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो मैं लगाता हूँ इसमें ये सैंपल और देखते हैं कितने समय में ये फेट को निकालती है। तो मैंने लगा दिया सैंपल और यहाँ से करता हूँ मैं टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसमें बीकर में जो दूध था उसको खींच लिया है मशीन ने अंदर, और इसकी रीडिंग अभी चालू है, और इसमें अभी 3 डंडे आए हैं, 4 डंडे हो चुके हैं, और 1 डंडा आने के पश्चात ये फेट का रिजल्ट वापस दे देती है। तो लगभग आप देख सकते हैं टाइम, इसमें ये एक्चुअल टाइम है चल रहा है इसके अंदर, तो शायद ये 28 सेकंड में इसने फेट को रिजल्ट निकाल दिया है, 28 सेकंड में। तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से काम करती हैं, इसमें फेट आई है 5979 SNF और 25 डिग्री, बहुत ही हल्का दूध है, वाटर लेवल ज़्यादा बता रही है इसके अंदर, 15.2 वाटर लेवल बता रही है, यानी कि कस्टमर ने इसमें पानी डाला है।
यानी कि जो है कि बेईमानी किया है। तो यह है वाइब्रेटर मशीन। तो ये इस काम में आती है, तब दूध गर्म होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब क्या मशीन उसको अच्छे से स्कैन नहीं कर पाती है, तो इसी कारण इसको लगाया जाता है, इसके अंदर दूध लगाते हैं, तो ये वाइब्रेटर करती है, उसको पाइस्चराइज करती है, एक तरह से बोल सकते हैं हल्का गर्म, और उसमें से एयर निकाल देती है, दूध की जो एयर होती है वो निकाल देती है इसमें से। उसके बाद ये इसमें मशीन लगाया जाए तब ओरिजिनल फेट आपको मिल जाती है। तो बहुत ही शानदार मशीन है, आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।